Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. में इंतखाबात सबसे बड़े मुबासे में माहौलियात मालियाती खसारे समेत अहम मौजूआत पर बहस। टोरंटो में लूनर गार्डन लोगों की तवज्जो का मरकज। उम्मीदवारों की जानिब से इस्लामोफोबिक पोस्ट पर फोंसिबा ब्लांशे की मुआजरत। डॉक पोर्ट की हुकूमत ने जहरीली गैसों का अखराज रोकने के वादे पूरे नहीं किए, रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अमरीका ने दौलत इस्लामिया को 100% शिकस्त दी, ट्रंप। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वोट फॉर पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा, ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम। वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। टेक ऑनरशिप ऑफ कैनेडा फॉर शेयर्ड वैल्यूज एंड ड्रीम्स। We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada. I am Tahir Gora, honored to represent Mississauga Malton riding for October 21st federal elections. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you, as a voter, keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes, and fight political correctness. It's time for a change. On Election Day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा में इंतखाबात के सिलसिले में सबसे बड़े मुबासे में रहनुमाओं ने माहौलियाती खसारे, मुकामी खिदमात, एसएनसी लेवलियन मामले के अलावा अहम मामलों पर बहस की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में इंतखाबात के सिलसिले में सबसे बड़े मुबासे में रहनुमाओं ने माहौलियात मालियाती खसारे, मुकामी खिदमात, एसएनसी लेवलियन मामले के अलावा अहम मामलों पर बहस की। आखिरी मुबासे में लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ब्लो क्यूबिको के रहनुमा ई फ्रांसवा ब्लांशे कभी भी क्लाइमेट प्लान पर अमल नहीं करा सकते क्योंकि वो वफाकी रहनुमा नहीं है। ट्रूडो ने आवाम से बराह रास्त वफाकी जमात को वोट देने का कहा। उनका कहना था कि शहरी इस जमात को वोट दें जो अल्बर्टा में कंजर्वेटिव प्रीमियर के अलावा ऑन्टेरियो की हुकूमत के सामने खड़ी हो सके। ट्रूडो ने कहा कि वो अरबों के दरख्त लगाने, समंदरों की हिफाजत, आवामी राहदारी में सरमायाकारी और सिग्नल यूज प्लास्टिक को कम करने जैसे दीगर इकदामात पर अमल दरामद करेगा। ग्रीन पार्टी की रहनुमा एलेक्स पिटमैन ने ट्रूडो के प्लान पर तनकीद की। उनका कहना था कि कोई भी प्लान जो साइंसी वजूहात पर बनाया जाए मजबूत नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रू शीयर, पीपल
पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के रहनुमा मैक्सम बर्ने और एनडीपी के रहनुमा जगमीत सिंह को शामिल करने के लिए जब बहस मुबासा का आगाज हुआ, क्यूबिक के जरिए पाइपलाइन बनाने के मामले पर तवज्जो दी गई। शेयर और बर्नेर ने इस बात पर अल्फाज का तबादला किया कि आया वो वजीर आजम की हैसियत से क्यूबिक के रास्ते पर पाइपलाइन पर मजबूर होंगे या नहीं। शेयर ने अपने एनर्जी कॉरिडोर मनसूबे का हवाला देकर हिजब इख्तलाफ से निपटने की कोशिश की, जिसमें क्यूबिक की तवानाई का सफर मगरब में देखने को मिलेगा और तेल मशरक में देखने को मिलेगा, जिसका पूरे मुल्क को फायदा होगा। बर्नेर ने कहा कि हमें किसी ऐसे बहरान से नहीं डरना चाहिए जो मौजूदा नहीं है, और अब ये कि वो हवा की तब्दीली से लड़ने के लिए उसे सूबों पर छोड़ दिया जाए, कि क्यूबिक इस महाज पर बहुत बड़ी पेशरफ्त कर रहा है और उसे जारी रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। रहनुमाओं से क्यूबिक के बिल 21 पर उनका मौकफ मालूम किया गया, जिसमें बाज़ सरकारी मुलाजमीन को काम पर मजहबी अलामत पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। ख़ास तौर पर उनसे पूछा गया था कि अगर वो कानून के खिलाफ अदालती लड़ाई में मुदाखलत करेंगे, तो सिंह ने कहा कि अगरचे वो पगड़ी पहनते हैं लेकिन वो बहुत सारे क्यूबिकर्स के इक्तदार को शरीक करते हैं, जिसमें औरत के इंतखाब के हक और माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने के हक की हिमायत शामिल है। उन्होंने कहा कि वो क्यूबिकर्स को ये समझने और राजी करने के लिए बिल 21 का मुकाबला करेंगे कि वो 21 बिल को अदालत में चैलेंज करने के बजाय उनके साथ मुश्तरक इक्तदार के शरीक हैं। मैंने कहा कि 21 बिल वफाकी इंतखाबात के लिए कोई मसला नहीं है, ये क्यूबिक और क्यूबिकरों के लिए एक मसला है। शाम के दूसरे हिस्से में मईशत और माली मामलात पर रहनुमाओं से पूछा गया कि वो बुजुर्गों की जिंदगी को मजीद सस्ती बनाने के लिए क्या करेंगे। ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे की हिफाजत में 75 से ज्यादा उम्र बढ़ा रही है, इससे बच जाने वालों के फवायद में इजाफा होगा और कैनेडा पेंशन प्लान को फरोग मिला है। सिंह और मैं दोनों ने कहा कि वो सीनियर्स पर अखराजात बढ़ाने का इरादा रखते हैं ताकि वो वकार के साथ बूढ़े हो सके। इस अहम मुबास को कनाडा भर में देखा गया। इस दौरान रहनुमाओं ने अपने मंसूबों से ना सिर्फ शुरका को आगाह किया बल्कि एक दूसरे पर तनकीद भी की और खुद कनाडा में मुस्तकबिल में बेहतरीन वजीर आजम के तौर पर पेश किया। जापान के सबसे बड़े बगीचे से मुतासिर होकर आर्टिस्ट डैनियल अर्शाम टोरंटो शहर में चांद को ले आया है। बाग में उसकी चमकीली रंग की रेत और मुजस्मे भी मौजूद है जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जापान के सबसे बड़े बागीचे से मुतासिर होकर आर्टिस्ट डैनियल अर्शाम टोरंटो शहर में चांद को ले आया। बाग में उसकी चमकीली रंग की रेत और मुजस्मे भी मौजूद हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नॉर्थन फ्लिप स्क्वायर में जेरिन गार्डन, जहां मजदूरों ने लहरों का मंजर पेश करती भारी नीली रेत बिछाई है, डैनियल अर्शाम की जानिब से एक बड़ी आर्ट की तनसीब आर्ट नाइट फेस्टिवल नॉट ब्लांचे के सिलसिले में की गई है, जो कि हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। 12 अक्टूबर तक गार्डन पर एक बड़े चांद का नज़ारा देखा जा सकता है। बाग के 5 अलग अलग हिस्सों में 600-425 पाउंड रेत के अलावा एक दरख्त, चश्मा, एक बड़े कैमरे और एक घड़ी के साथ साथ मुतादिद सफ़ेद चट्टानों पर मुश्तमिल मुजस्मे हैं। बाग में नस्ब किए गए जाज़िबे नज़र मुजस्मों में रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया को खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, जिनमें एक सदी के दो रन तब्दील होती चीज़ें पेश की गई हैं। ब्लॉक क्यूबिको के रहनुमा ई फोंसबा ब्लांचे ने मीडिया की जानिब से खुद मुख्तार जमात के उम्मीदवार की इस्लामोफोबिक और तासुब पर मबनी पोस्टें मंजरेआम पर लाए जाने के बाद माफ़ी मांग ली। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ब्लॉक क्यूबिको के रहनुमा ई फोंसबा ब्लांचे ने मीडिया की जानिब से खुद मुख्तार जमात के उम्मीदवार की इस्लामोफोबिक और तासुब पर मबनी पोस्टें मंजरेआम पर लाए जाने के बाद माफ़ी मांग दी। ब्लांचे की जानिब से एक ईमेल में कहा गया कि गुज़िश्ता तमाम वीडियो और कमेंट्स जो नामुनासिब थे वो काबिले अफसोस हैं। उनका कहना था कि मैं रहनुमा की हैसियत से तमाम क्यूबिकर से माफ़ी मांगता हूँ। ब्लांचे ने अपने बयान में किसी एक उम्मीदवार का नाम लिए बगैर 5 उम्मीदवारों की जानिब इशारा किया, जिसमें 4 मर्द और एक खातून शामिल हैं। मौजरत यकीनी तौर पर जर्नल डी मॉन्ट्रियाल में बुध के रोज़ और ग्लोब एंड मेल में जुमेरात के रोज़ शाया होने वाले मजामीन के जवाब में है, जिसमें फेसबुक और ट्विटर पर मुतादिद पोस्टें ट्वीट्स का हवाला दिया गया था। जर्नल के मजमून में हवाला देने वाले 4 ब्लॉक उम्मीदवारों ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर मुआजरत के यकसां बयानात जारी किए। 4 उम्मीदवार अपने बयानात की तस्दीक करते हुए कहते हैं कि वो ब्लॉक क्यूबिको के इक्तदार के हामी और जो किसी भी तौर पर किसी भी के
کمیونٹی کے خلاف اقدامات کے حامی نہیں ہے، خاص ثقافتی ہو یا مذہبی۔ کچھ بات کریں گے انوائرمنٹل ڈیفنس کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اونٹیریو صوبے میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے وعدے کے ساتھ اہم اقدامات کا جائزہ لیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ ایک کے سوا کسی پر بہت کم یا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایک ماحولیاتی نگراں گروپ کی نئی رپورٹ کے مطابق اونٹیریو کے پریمیئر ڈاگ فورڈ کی حکومت نے گزشتہ نومبر میں پیش کردہ گرین ہاؤس گیس میں کمی کے منصوبے میں کیے جانے والے وعدوں کے حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ انوائرمنٹل ڈیفنس کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اونٹیریو صوبے میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے وعدے کے ساتھ اہم اقدامات کا جائزہ لیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ ایک کے سوا کسی پر بہت کم یا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ماحولیاتی دفاع نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ اب ہوا اور بحران حقیقی انسانی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اونٹیریو کا عمل کرنے میں ناکامی ایک ٹوٹا ہوا وعدہ ہے۔ اس حوالے سے وزیر ماحولیات کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبہ اپنے ماحولیاتی منصوبے میں 19 وعدوں پر مزید مشاورت اور عمل درآمد کے سلسلے میں پہلے ہی نمایاں پیش رفت کر چکا ہے، تاہم ان وعدوں میں سے کچھ کا کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ان میں اونٹیریو پارکس کے لیے خصوصی مشیر مقرر کیا گیا ہے اور پلاسٹک کے گندگی اور کوڑے دان کو کم کرنے کے بارے میں ایک مباحثہ نامہ جاری کیا گیا ہے۔ ترجمان امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق فلوریڈا سے دو غیر ملکی تاجر گرفتار کیے گئے ہیں جن پر امریکی انتخابی مہم کے اخراجات سے متعلق قوانین کے خلاف ورزی کا الزام ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ترجمان امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق فلوریڈا سے دو غیر ملکی تاجر گرفتار کیے گئے ہیں جن پر امریکی انتخابی مہم کے اخراجات سے متعلق قوانین کے خلاف ورزی کا الزام ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں گرفتار افراد نے اوباما دور میں نائب صدر رہنے والے جو بائیڈن کے کیس میں امریکی صدر کے وکیل روڈی گیولیانی سے اور یوکرینی پروسیکیوٹرز کی ملاقات کرانے میں معاونت کی تھی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے 2020 میں اپنے ممکنہ صدارتی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالا اور بصورت دیگر یوکرین کی فوجی امداد روکنے کی بھی دھمکی دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ داعش کو شکست دے کر ہم نے اپنا کام بخوبی مکمل کر لیا، اب ترکی کردوں پر حملہ کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے دولت اسلامیہ کو 100% شکست دے دی۔ شام کے جن علاقوں میں ترکی حملہ کر رہا ہے وہاں امریکی فوج نہیں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ داعش کو شکست دے کر ہم نے اپنا کام بخوبی مکمل کر لیا، اب ترکی کردوں پر حملہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور کرد 200 سال سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ شام کے حوالے سے امریکہ کے پاس 3 آپشنز تھے، پہلا یہ تھا کہ ہم ہزاروں فوجی شام بھیجتے اور عسکری طور پر فاتح ہوتے، امریکی صدر کے مطابق دوسرا یہ آپشن تھا کہ ترکی پر سخت معاشی پابندیاں لگاتے، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ ترکی اور کردوں کے درمیان ثالثی کرواتے۔ خیال رہے کہ ترکی نے شام میں فوجی آپریشن کا فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی فوج کو وہاں سے بے دخل کرنے کے اچانک فیصلے کے فوری بعد کیا، جبکہ صدر ٹرمپ کے فیصلے کو واشنگٹن میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فوجی کارروائی کے حوالے سے ترک سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ شام میں فوجی آپریشن فضائی کارروائی سے شروع کیا ہے اور اس میں بحری فوج کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.